चलो लेट्स स्टार्ट। मेरा रोल कौन सा? भाग के पैसा आया है तू, चलो पूरा वो क्लीन हो गया, तू साफ करके कव्याशा चैत्यशा देवांशी पारेख धैर्य कापडिया धार्मी संवी धीर सोमानी सॉरी देवांश हाँ देवांश मालूम सूर्य आने वाला धैर्य कापड़िया धार्मी संवी दिल सोमानी ध्रुव मेहता फिलोनी मेहता वो भी देवलाली देवलाली जाओ तो हित कोटारी हितपी गुंडलिया जैनम शाह ये भी आउट ऑफ था जैनी शाह जिया शाह खुशी लमाचिया खुशी मेहता कृषि ठक्कर कृति मेहता माही जोशी कृति आई ना नव्या शाह निशान शाह पाशवी शाह पर्व बोरा बोरा हाँ बोरा तो बोला था प्राची शाह राज संघानी राज शिखा संघवी शिवांग जोशी शुभ वंश एनीवन फ्रॉम अदर बैच चलो लेट्स कंटिन्यू विद सम नंबर 12। आई थिंक फर्स्ट 15 ट्रांजेक्शन किए हमने रिवाइज ये आगे बढ़ना है अपने को फर्स्ट 15 किए हुए हमने और ऑल द ट्रांजेक्शंस अगेन आर बेस्ड ऑन बेसिक्स बेसिक्स मतलब गोल्डन रूल्स व्हाट आर द गोल्डन रूल्स फॉर ट्रेडिशनल व्हाट आर द गोल्डन रूल्स फॉर पोस्टल अकाउंट्स डेबिट इज द रिसीवर क्रेडिट द गिवर रबर रिसीव्स इट डेबिट इज द गिवर इसको क्रेडिट रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट एसेट्स है And nominal, debit all, expenses and losses, credit all, incomes and gains. Then we move to modern. Modern mein what are the rules for assets? Increases then debit, decreases then credit. What about liabilities? Increases then credit, decreases then debit. Expenses? Increase then debit, decrease then credit, same as assets. And incomes? Increase their credit, decrease their debt. See, that's liability. And then you have capital. Capital ka increases their credit, decreases their debit. Capital decrease matlab drawings. Drawings increases so debit. Drawings ka bhi decrease. Drawings increases to debit. Is it clear? So, koi bhi transaction ho, usko record karne se pehle अपने आप को रूल समझाना है रूल फिट करना है और रूल फिट हुए तो ही आगे बढ़ना है। कोई भी ट्रांजैक्शन बिना रूल के सेफ होने वाला नहीं है।
कोई भी ट्रांजैक्शन बिना रूल के सेट होने वाला नहीं है, वापस भागते आ रहे। अरे एक बार भी मेरे लेक्चर में भागते आने का नहीं। अरे सर आज इन चेन्नई की सर तो मुझे ने या तो बस पकड़ में था वाला इंडिपेंडेंट जवान था तो बस जवान होता था टाइम पर तो बट अभी वो मन में आया वैसा मैराथन भाग के बता ओके ऐसा ये लोग कैसा एकदम साफ सुथरा नीट बैठा हुआ ऐसा आ रहा है ओके। बाकी जो टाइम पे देखो शूट होता है भागना क्लास में ऐसे नहीं आता। नाउ सो व्हेनेवर यू हैव एनी ट्रांजैक्शन व्हेनेवर यू हैव एनी ट्रांजैक्शन ओके identify, classify and then apply the golden rules. Okay, identify the two accounts. Identify the two accounts. Okay, जो भी दो अकाउंट होंगे आपको पहले identify करने, classify them either into traditional or modern, आपकी मर्जी. Apply the rules, traditional करना है तो traditional, modern करना है तो modern. Rules fit होने चाहिए और जबरदस्ती fit नहीं करने है, अपने आप transaction में rule fit होंगे. Real account है तो debit what comes in या credit what goes out, एसेट बड़ा घटा वो फिट होगा, वो फिट होके ही आगे बढ़ना है, बिना रूल के कोई ट्रांजैक्शन आगे नहीं करता ओके। कहीं पर भी अटक जाओ कोई रूल फिट ना हो तो प्लीज स्टॉप मी एंड आस्क। चलते हैं आगे, 15 तक हमने किया था, 16th वन देख लेते हैं। पेड सैलरी टू मिस्टर राम 900 rupees, धीर सोमानी टेल मी द टू अकाउंट्स। वेरी गुड, सैलरी एंड कैश। Why not Ram's account? What will happen if you write Ram? Exactly. He'll become a debtor or creditor. उसका नाम आ गया तो मतलब कोई goods के लिए उसको settle किया जा रहा है, ऐसी बात हो जाएगी। ऐसा तो है नहीं। Why are we giving money to Ram? For salary. तो याद है whenever you pay any expense or receive any income, party's name must be ignored. Party का नाम कब आता है? जब आपको उससे कुछ लेना है या उसको कुछ देना बाकी तभी आएगा, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं। तो बताओ दी एंट्री क्या होगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके, व्हाई विल यू डेबिट सैलरी? डेबिट ऑन एक्सपेंस एंड व्हाई विल यू क्रेडिट कैश? कैश क्रेडिट व्हाट गोस आउट। क्रेडिट व्हाट गोस आउट एंड हूज पॉइंट ऑफ व्यू आर वी गोइंग टू थिंक ऑलवेज? बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू, ऑलवेज वी आर बिजनेस। बिजनेस के लिए सैलरी एक्सपेंस है एंड कैश इज गोइंग आउट, करेक्ट है, एसेट है। एंट्री है सैलरी टू कैश, अमाउंट है 500 rupees। नरेशन लिखना है बीइंग सैलरी पेड, बीइंग सैलरी पेड, इज दैट क्लियर? बीइंग सैलरी पेड, बहुत बढ़िया। रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम राजीव ₹100, शिक्का। Received commission from Rajiv ₹100. What are the two accounts? Very good. Commission and cash. And what will you debit and what will you credit? Very good. Cash account to commission. Can you explain me why will you debit cash, Shikha? Cash debit. Yes. And commission is credit on income side. Commission is credit on income side. Yes. So cash account debit to commission account. Rajiv ka naam aayega ki nahi? Kyun nahi aayega? Paid received income and expense. Party's name must be ignored. Okay? Being commission received. Being commission received. Is this clear? Being commission received. Sorted? Very good. ये ध्यान रखना है, common mistake हो जाती है लोगों की, party का नाम घुसा देते हैं यहाँ पे नहीं आने वाला है ठीक है। कैश पेड कैश रिसीव्ड फॉर इनकम एंड एक्सपेंस, सॉर्टेड टिल दिस पार्ट। देन अपॉइंटेड अ मैनेजर विद अ सैलरी ऑफ 20,000, अपॉइंटेड अ मैनेजर विद अ सैलरी ऑफ 20, क्या एंट्री होनी चाहिए या कोई एंट्री होनी भी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नो एंट्री। व्हाई नो एंट्री? बिकॉज अपॉइंटिंग अ मैनेजर is not a transaction, आपने सिर्फ उसको अपॉइंट किया, उसको इंटरव्यू लिया, उसको फिक्स किया, सैलरी दी है क्या? एक महीना उसने काम किया है क्या? कुछ नहीं। अपॉइंटिंग अ मैनेजर इज नॉट अ ट्रांजेक्शन। हम लोग रिकॉर्ड क्या करते हैं? ट्रांजेक्शन। व्हाट आर ट्रांजेक्शन?
एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी इज वर्थ. तो यहाँ पे भी एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी इज वर्थ तो हुआ है नहीं है, काम भी नहीं हुआ है कुछ, तो रिकॉर्ड करने का सवाल नहीं होता. इन चीजों को कहा जाता है इवेंट्स, इनको कहा जाता है इवेंट्स. इवेंट्स मतलब घटनाएं. बिजनेस में घटनाएं तो बहुत होती है, जैसे अर्ली मॉर्निंग ऑफिस ओपन करना, किसी मैनेजर को अपॉइंट करना, साइट विजिट करना, कहीं इंक्वायरी करना, कोई फ्री सैंपल्स की इंक्वायरी करना, गुड्स की इंक्वायरी करना, ये सब आपका इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है, इलेक्ट्रिक टेलीफोन कंपनी को फाइनलाइज करना, या इलेक्ट्रिसिटी कोई कंपनी उसको फाइनलाइज करना कि ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगी. तो बोलने वाला ये सब खाली आपके घटनाएं है, इवेंट्स हो रहे, मीटिंग्स करना, मीटिंग्स आर इवेंट, ये ट्रांजैक्शंस नहीं है, ये खाली इवेंट्स है. तो व्हाट कैन वी कंक्लूड, ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शंस, बट ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स. ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स, ट्रांजैक्शन मतलब घटना हुई है, बट ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शंस. ट्रांजैक्शन का कोर मतलब है एक्सचेंज ऑफ मनी और मनी इज वर्थ, अगर वो हुआ तो ही हम रिकॉर्ड, अदरवाइज हम रिकॉर्ड करने वाले ओके. तो इधर लिखना है नो एंट्री. प्रैक्टिकली टैली वगैरह पे ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट थियोरी को 11th 12th स्टैंडर्ड में लिखना पड़ेगा, मतलब मार्क्स काट हाफ टू वन मार्क दे कैरी वेटेज. इधर लिखना है अपॉइंटिंग अ मैनेजर इज नॉट अ ट्रांजैक्शन, हेंस नो एंट्री. Appointing a manager is not a transaction, hence no entry. Appointing a manager is not a transaction, hence no entry. Okay? Very good. Next one. Issued a check for the following. Issued a check देख के आपको क्लिक होना चाहिए. Issued a check मतलब बैंक से पैसा गया, बैंक यूज करना है. Are you sure? Now see, ध्यान से पढ़ो. Rent आपने पे किया. Once, what is the entry value पे rent by check? Rent to rent to bank होगा. अगर आपने rent पे किया तो entry rent to bank होगी. नव्य, टेल मी व्हाट एंट्री यू पास इफ यू पे हाउस रेंट थ्रू चेक. व्हाट इज हाउस रेंट? हाउस किसका होता है? व्हाई द हेल इट इज अपीयरिंग ओवर योर हाउस रेंट? उसने पैसा निकाला है, बिजनेस में से निकाला है, तो ड्रॉइंग्स टू बैंक. एम आई राइट? ड्रॉइंग्स टू बैंक. अच्छा, बाजू में जिया. व्हाट इज द नेक्स्ट वन? इंश्योरेंस की एंट्री क्या होती है? चेक से पे किया. दिस इंश्योरेंस मतलब किसका इंश्योरेंस? ऑफिस का, जनरल इंश्योरेंस. एंड इंश्योरेंस का मतलब होता है इंश्योरेंस प्रीमियम. इंश्योरेंस का मतलब होता है इंश्योरेंस प्रीमियम, जो आप हर साल हर महीने पे करते हैं. दैट्स योर एक्सपेंस. क्लेम नहीं, क्लेम जब लॉस वगैरह होता है तब मिलता है, ये प्रीमियम है, आप हर साल पे करते. एंट्री क्या होगी? इंश्योरेंस टू बैंक. इंश्योरेंस टू बैंक. ओके, अच्छा. लाइफ इंश्योरेंस हित. लाइफ इंश्योरेंस ड्रॉइंग्स टू बैंक. व्हाई अगेन? लाइफ इंश्योरेंस इज हूज एक्सपेंस? बिजनेस और बिजनेसमैन. बिजनेसमैन राइट? हम तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं. तो यहाँ पे क्यों दिख रहा है लाइफ इंश्योरेंस? निकाला होगा पैसा, तो उसकी भी एंट्री क्या होती है? ड्रॉइंग्स टू बैंक. अच्छा, व्हाट अबाउट इंटरेस्ट? धैर्य. इंटरेस्ट टू बैंक या इंटरेस्ट पेड टू बैंक, या आपका एक्सपेंस हुआ राइट? व्हाट अबाउट निशांत? स्कूल सर, स्कूल फीस. सर किसका होता है? ओनर का ही होगा. बिजनेस का तो अब तक इतनी साइंस नहीं करेगी, तो नॉट पॉसिबल. ओके, तो बिजनेस का कोई बच्चा बच्चा नहीं होता है. तो ये सब चीजें यहाँ पे क्यों दिख रही है? सर स्कूल फीस, लाइफ इंश्योरेंस, हाउस रेंट, पर्सनल एक्सपेंसेस है, उसने बिजनेस में से पैसा निकाला. So, all these things are happening on the same day. What are you supposed to do?
merge them. So what will be your combined entry? Red account debit. Then withdrawing तीन बार है तो तीन बार मत लिखना. Add हो गया. हाँ. Combined तो कर रहा हूँ ना. Red सब debits add कर रहा हूँ. हाँ drawings combined होगा. वही तो मैं बोला एक तीन drawing है तीन बार मत लिखना. Add what? Interest account debit to what? Bank account. बहुत बढ़िया. ध्यान से देखना रेंट में कितना आएगा. 300 ड्रॉइंग सब ऐड करो. 5 + 4 + 2 मिला. सॉरी 1100. अच्छा इंश्योरेंस 500. इंटरेस्ट 1000. टोटल 5 2 9 2 9 0. डायरेक्शन क्या लिखना है. बी रेंट कॉमा इंश्योरेंस कॉमा इंटरेस्ट एंड पर्सनल एक्सपेंस पेड बाय चेक. पेड बाय चेक रेंट इंश्योरेंस पर्सनल एक्सपेंस पेड बाय चेक. पेड बाय चेक ओके. रेंट इंश्योरेंस पर्सनल एक्सपेंसेस पेड बाय चेक ओके. ड्रॉइंग्स तीनों ऐड करना है और क्लब करना है क्योंकि सेम डे पे हो रहा है. सेम डे पे हो रहा है तो व्हाट आई सब कुछ टू डू क्लब इट ओके कंबाइन. बढ़ो आगे. 20th वन एक्सचेंज 100 रुपी नोट फॉर 10 रुपीज नोट. बट एग्जैक्टली कैश टू कैश. बट कैन यू राइट कैश टू कैश. कैन द सेम अकाउंट अपीयर ऑन डेबिट एंड क्रेडिट साइमल्टेनियसली. नो इट गेट्स नलिफाइड. सो नो एंट्री. छुट्टा करवाने की कोई एंट्री नहीं. तो इधर लिखना है नो एंट्री. छुट्टा उट्टा मत लिखना. इधर थोड़ा इंग्लिश इंग्लिश. सो एक्सचेंज ऑफ कैश फॉर कैश इज नॉट अ ट्रांजैक्शन. हेंस नो इट. एक्सचेंज ऑफ कैश फॉर कैश इज नॉट अ ट्रांजैक्शन. हेंस नो इट. छुट्टा उट्टा करवाया उसकी कोई एंट्री नहीं हो. ठीक है. समझ आया. नेक्स्ट वन. विड्रॉन गुड्स ऑफ 500 एंड कैश ऑफ 1000 फॉर पर्सनल यूज. ध्रुव मुझे बताओ गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज की क्या एंट्री करते. सिर्फ गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. एंड ड्रॉइंग्स. तो क्या डेबिट क्या क्रेडिट. गुड्स का पूछ रहा हूँ. गुड्स गुड्स घर पे लेके गया होगा तो क्या करोगे. ड्रॉइंग्स डेबिट करोगे कि गुड्स डेबिट. ड्रॉइंग्स डेबिट होगा ड्रॉइंग्स पर. ठीक. और गुड्स क्या होगा क्रेडिट. उसके लिए क्या लिखते हो. गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल. याद है आपको. गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल. अगर गुड्स लेके गया तो ड्रॉइंग्स टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. याद आ रहा है. गुड्स के लिए मल्टीपल अकाउंट्स. क्रेडिट वॉट गोज ड्रॉइंग्स. ओनर इज द रिसीव. हिमा अगर कैश विड्रॉ किया ओनर ने तो क्या एंट्री करते. ड्रॉइंग्स टू कैश. अभी अभी किया आपने इतना सारा. ड्रॉइंग्स टू कैश है ना. ओनर इज द रिसीवर एंड कैश गोज आउट. अब यहां पे दोनों चीजें हो रही है. उसने गुड्स भी लिया है और कैश भी लिया है तो आपको क्या करना है. मर्ज करना है कंबाइन करना है. व्हाट बी योर कंबाइंड एंट्री. ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज अकाउंट टू कैश. Is that right?
Drawings to goods withdrawn for personal use to cash. अच्छा goods कितना गया? 500. Cash 1000. Total drawings 1500. Narration being cash comma goods withdrawn for personal use. Cash comma goods withdrawn for personal use. Cash comma goods withdrawn for personal use. दोनों का मतलब समझ आया आपको? आपने कैश भी विड्रॉ किया और गुड्स भी विड्रॉ किया, दोनों विड्रॉ किया. तो आपने इंडिविजुअली तो किया था, यहां पे खाली मैंने मर्ज किया. इंडिविजुअली तो बहुत बार किया हुआ, ड्रॉइंग्स टू कैश, ड्रॉइंग्स टू गुड्स, ड्रॉइंग्स टू गुड्स, ड्रॉइंग्स टू कैश, विड्रॉइंग्स टू कैश टू गुड्स. लिख लो नरेशन इन कैश कमा गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. व्हाट इफ ही हैज विड्रॉन दिस कैश फ्रॉम बैंक? ड्रॉइंग्स टू बैंक. बैंक से निकाला होता तो ड्रॉइंग्स टू बैंक, ऑफिस से निकाला है तो ड्रॉइंग्स टू कैश. समझा? नेक्स्ट वन. डिपॉजिटेड 2000 इन बैंक. प्राची बैंक टू कैश. व्हाई डू यू डेबिट बैंक? बिकॉज बैंक इज आवर एसेट एंड डेबिट. परफेक्ट. व्हाई क्रेडिट कैश? Cash decreases, bank increases. Perfect. Being cash deposited. Being cash deposited. Being cash deposited. Very good. Being cash deposited. Next one, withdrawn 1000 from bank for personal use and 500 for office use. Dharani, just tell me, what entry you pass when you withdraw cash for personal use? Drawings to bank. Correct? Drawings to bank. Mahi, what entry you pass when you withdraw for office use? Cash to bank. Is there any account like office use? Is there? किसी को लग रहा है ऑफिस यूज जैसा कोई अकाउंट नहीं होता. वो याद है मैंने डायग्राम बनाया था, ओनर ऑफिस बैंक. ऑफिस में अगर कैश निकाल, मतलब बैंक से अगर घर पे लेके जा रहे हो तो ड्रॉइंग्स और बैंक, बट बैंक से अगर ऑफिस में ला रहे हो तो कैश और बैंक. जैसे डालते हो तो बैंक और कैश, ला रहे हो तो कैश और बैंक. तो घर वाले की एंट्री क्या है? ड्रॉइंग्स टू, घर पे लेके गया तो ड्रॉइंग्स टू बैंक और ऑफिस में लाया तो कैश टू बैंक. दोनों को क्या कर सकते हो? एंट्री क्या बने?